हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर्मल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 5th ऑफ अक्टूबर। काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया, एक रेंज बाउंड मार्केट जो बहुत 2 टू 3 डेज से जो था उसका एक रेंज ब्रेकआउट दिया आज निफ्टी ने। बल्कि यहाँ पे जो था 27 को जो उसने एक डबल टॉप बनाया था, दिस इज अवरली चार्ट। जस्ट मैं पहले प्राइस एक्शन बता दूँ कि प्राइस एक्शन कैसे होता है यहाँ पे और यहाँ पे। अवरली में उसने एक डबल टॉप बनाया था, एक इनफैक्ट ट्रिपल टॉप भी बना बोल सकते हैं। ये जो रेंज ब्रेकआउट था इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया ये कैंडल ने, और उसके बाद में निफ्टी स्ट्रेट अवे डाउन अराउंड 400 टू 500 पॉइंट्स। बट ये जो पॉइंट था यहाँ पे, एक रिवर्सल के संकेत यहाँ पे इसी दिन उसने दे दिए थे। ये चार्ट ऑलरेडी मैंने एक टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। ये मेरे थोड़े एडवांस टूल के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे लेवल प्लॉट करूँ तो ये जो है ये बाइंग जोन था। मतलब ये पूरा गिरने के बाद यहाँ पे ये जो भी कुछ उस दिन अवरली चार्ट पे, दिस इज अ बाइंग जोन एग्जैक्टली। ये चार्ट एग्जैक्टली मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था यहाँ पे जब भी निफ्टी आया था। अभी आई यूज एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि एक बार लेवल फिक्स हो गए तो वो कभी भी यूज कर सकते हो। ये जैसे ये डोजी बना और डोजी का ये हाई चला गया, यहाँ पे बाइंग जोन था 16,000 17,632, और इसके टारगेट, फर्स्ट टारगेट यही था जो आज अचीव हो चुका है। ये था फर्स्ट टारगेट, और अभी सेकेंड और थर्ड टारगेट ये रहेंगे। दिस इज द जोन 950 एंड देन 18,800। फिर यहां से ये एक रिवर्सल दे सकता है एज पर ज्ञान लेवल। ये ज्ञान के लेवल से कि ये मार्केट यहाँ से अप गया फिर डाउन आया, फिर एज पर ज्ञान थ्योरी यहाँ पे मुझे बाय करना था, ये जो बाइंग जोन था, और इसके अकॉर्डिंगली दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड यहाँ पे जाके मुझे अभी सेलिंग करना है। तो मे बी निफ्टी इज रेडी टू फ्लाई अराउंड 18,000 एंड 18,100, ठीक है, गॉड नोज। या यहाँ से भी रिवर्सल आ सकते हैं क्योंकि दीज आर द रिवर्सल जोन। या फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरा ट्रेड फॉर वेल्थ का चैनल है कि जहाँ पे मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे मैंने दिया था 940 को, 940 को फिर मैंने यहाँ पे बोला था कभी 4th ऑफ अक्टूबर को, मतलब कल बोला था ये रिवर्सल जोन है। यहाँ पे देखो, ये मैंने मार्क किया था एज इट इज, जैसे चार्ट मैंने किया भेजा है वैसे ये चार्ट। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये रिवर्सल जोन है ये अवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो और इसके बाद तभी भी मैंने एक कॉल दिया था निफ्टी का, और वहाँ पे देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बोला था मॉर्निंग निफ्टी चार्ट एनालिसिस कि वो परफेक्ट रिवर्सल लेवल को रिस्पेक्ट करके गया यहाँ पे, ये जो था वो कल का। और आज भी अगर आप देखोगे, आज का अगर आप चार्ट देखोगे तो देखो डॉट उसने यहाँ पे ही आज बाइंग जोन दिया, मतलब यस्टरडे 4th को भी उसने ये लेवल दिया, फिर नीचे आया, आज भी वही लेवल पे जोन था और आज भी फिर से उसने टारगेट दिया। फिर से आज मैं ना बाइंग जोन था, बहुत जन मुझे मॉर्निंग में बोल रहे थे, इवन मैंने बूस्टर में दिया था, मेरे पेड ग्रुप में भी दिया था, बट वहां पे अनफॉर्चुनेटली छोटा स्टॉप लॉस दिया था तो वो हिट हुआ। बट टेलीग्राम और बूस्टर ग्रुप में जो कॉल दिया था वो एज इट इज बहुत बड़े टारगेट देके गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज का जो ट्रेड था 17,600 का जो ट्रेड था, ये ट्रेड यहाँ पे ये बोला था बाय अबाउ 150 एंड टारगेट 160 180 200, ऑलमोस्ट 250 तक सेंचुरी मार के गया ऑन द सेम लॉजिक कि ये कैंडल था और मैंने बोला था ये जोन ब्रेक होने के बाद एंट्री लेना है, ये जोन ब्रेक होने के बाद, ये जोन, और वो जोन का ब्रेकिंग लेवल 150 था यहाँ पे, उसका हाईएस्ट पॉइंट आज 148 था। तो मैंने बोला 150 क्या पे, जैसे वो ब्रेक हुआ वो रॉकेट गया आज और 250 तक आज उसने। तो सिंपल सिंपल एनालिसिस आपको करना होता है, दिस इज द प्राइस एक्शन कंसेप्ट। बट ये जो कंसेप्ट है मैं मेरे एडवांस बैच में सीखा था लेवल्स फॉर्मेशन की, एक ज्ञान के परफेक्टली जोन में आके वो रिवर्सल साइन दे देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये देखना है प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन पे देखना है, तो निफ्टी ने कल के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो अवरली चार्ट में ये लेफ्ट हैंड शोल्डर था, ये हेड था और ये राइट हैंड शोल्डर प्लॉट कर रहा था। तो ये जो लेवल था, ये जो गैप था, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये गैप से रिवर्सल होना ही था। तो कल इसने और आज इसने वो डायरेक्टली गैप के यहाँ पे एक थोड़ा सा डीप दिया और उसके बाद में
दिया, तो ये पहले से पता था कि ये राइट हैंड शोल्डर यहाँ पे बना सकता है, यहाँ पे इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग टाइम का जो था, ये ब्रेकआउट दिया नहीं था, ये जैसे ये कैंडल बना, ये कैंडल के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये भाई ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, क्योंकि ये शोल्डर्स बना रहा है, लेफ्ट हैंड शोल्डर और ये राइट हैंड साइड का शोल्डर बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट उसने आज दिया, एंड क्लोजिंग भी काफी अच्छा दिया, तो टुमारो मे बी द सुपर ब्लास्ट की यहाँ तक, ये जो लेवल था, ये जो वीक था, वहां तक तो ये टारगेट जाने वाले ही थे आज, बट अगर कल आपको यहाँ पे अगर डीप मिलता है तो बाय ऑन द डिप्स, अगर कल गलती से मिला, चांसेस बहुत कम है, बट ग्लोबल क्यूज के वजह से अगर गैप डाउन होता है और ये लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे आपको 101% बाई करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये लेवल 17,760 70 पॉइंट का लेवल, और ऊपर मेरे 100 to 150 पॉइंट्स का टारगेट है, मतलब 17,900 और 950, यहाँ तक तो निफ्टी अभी कल या परसों तक टच होगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस एनालिसिस, ये जितने भी पॉइंट्स है, ये सेम पॉइंट्स आपको उतने हेड के जितने भी टारगेट्स होता है, ये जो भी कुछ है, ये टारगेट जितने भी है 300 पॉइंट्स, तो ये 300 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 पॉइंट्स का रैली मुझे वहां पे मिलना चाहिए, ये 325, ओके। और आप देखो ये हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है, ये सेम टारगेट 18,800, एंड दैट इज आल्सो माय रिवर्सल साइन ओनली, ना देखो ना यहाँ पे ये रिवर्सल साइन भी, तो प्राइस एक्शन भी मैच हो रहा है और गैन का रिवर्सल भी जोन मेरे यहाँ पे मैच हो रहा है, जो है 18,109, कि यहाँ से वो रिवर्सल हो सकता है। एक बार आपको ये बॉटम मिल गया, मतलब ये बॉटम मिला था मुझे, फिर उसने एक टॉप किया, फिर एक हायर बॉटम कर लिया, ये अगर तीन बॉटम मिल गए तो ज्ञान बहुत सिंपल है, कि इसके हिसाब से एंट्री कहाँ पे होता है वो ज्ञान बताता है, और टारगेट क्या होगा वो बताता है, फिर ये तीन टारगेट बताता है, फिर ये अपर टारगेट के यहाँ से फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, और फिर लोअर साइड में फिर से वही टारगेट ओपन रहता है। सो दीज आर द डबल एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी, जो मैं स्पेशली मेरे एडवांस बैच में सिखाता हूँ, बट एटलीस्ट आपको प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के बैच में आप सीख सकते हो, कि प्राइस एक्शन से भी आप ये गैप लेवल और हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के लेवल के हिसाब से आप ये लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। तो निफ्टी टुमारो आई एम स्ट्रॉन्ग बुलिश और माय टारगेट इज दिस, और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स मुझे बाय करना है। सेम एज बैंक निफ्टी ने क्या किया आज, देखते हैं बैंक निफ्टी का, अगर मुझे प्राइस एक्शन देखना है, बैंक निफ्टी ने भी आज 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, तो ये 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, जो निफ्टी में था सेम पैटर्न, बट बैंक निफ्टी ने आज ही ब्रेकआउट किया, तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ी जगह है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप इंडसइंड बैंक वगैरह देखोगे, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, सब ब्रेकआउट, इंडसइंड बैंक ने तो आज ब्रेकआउट नहीं दिया, तो बैंकिंग सेक्टर से अगर एक PSU बैंक से भी एक सपोर्टेड आ रहा है, बैंक निफ्टी कल 37,900, 38,000 एंड 38,300 के लिए रेडी है ये ब्लास्ट होने के लिए। आज का मूवमेंट क्या था, आज का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो आज के लिए, अगर इंट्राडे में मुझे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को अगर मुझे बताना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था आज, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आइदर आपको ब्लू ब्लैक लाइन या ग्रीन लाइन के, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ब्लैक लाइन के यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, या ग्रीन लाइन क्रॉस होता है तो, अगर ब्लैक लाइन पे कर रहे हो तो ये रेड लाइन मतलब स्टॉप लॉस रहेगा, एंड आपके टारगेट ये फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट रहता है, और ग्रीन लाइन के भी कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। तो आज यहाँ पे दो बार बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया बैंक निफ्टी ने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और टारगेट एग्जैक्टली टारगेट के यहाँ पे जाके गया, तो ये लेवल्स मैटर्स, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज लाइक अ लेवल्स, तो ये लेवल्स के हिसाब से था, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट था आज के लिए, तो लाइक दैट वे में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर सिग्नल यहाँ पे जो था वो। और एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा सॉफ्टवेयर नंबर 3 का टूल भी यूज करो, तो आपको एक पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है तो आपको टारगेट जनरली यहाँ तक मिलता है, ये रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे वो आज स्ट्रगल करा था, कल भी स्ट्रगल किया, आज भी स्ट्रगल किया, बट आज ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको काम में आएंगे। अगर आज का ब्रेकआउट निफ्टी का अगर मैं देखूं, तो निफ्टी के यहाँ पे आपको पता चलेगा, निफ्टी के यहाँ पे था कि वो ब्रेकआउट के बाद भी उसने काफी अच्छा मोमेंटम दिया। अगर इसको मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखूं, जो मैं जनरली देखता हूँ,
यहाँ पे आज फिर से देखो ये लेवल्स भी था, ये लेवल्स के बाद एक तो लेवल यहाँ पे था और सेकंड लेवल यहाँ पे था, ये जब भी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे 17,770 के यहाँ से 830, मतलब एक 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट, एक रॉकेट मूवमेंट आया बाद में। तो लाइक दैट वो में वो जोन से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से जोन में आपको एंट्री लेना है और कैसे करना है, जो प्राइस एक्शन मैंने सिखाया उसके हिसाब से। या और जो लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक सिलेक्शंस करना है, प्राइस एक्शन को कैसे देखना है, लेवल्स कैसे मार्क करना है, तो दे कैन ज्वाइन माय प्राइस एक्शन का कोर्स। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हुआ, एक ही लेक्चर हुआ, यू कैन ज्वाइन, यू कैन यू विल गेट द रिविजन ऑफ दैट वन लेक्चर। ये संडे से बैच, फ्रेश बैच चालू होने वाला है। क्या क्या टॉपिक है वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्म किए हुए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर सेल्फ एनालिसिस करके ही अभी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आईबुल फाइनेंस का मैंने पोजीशंस बताया था, ये जो भी कुछ आईबुल फाइनेंस यहाँ पे जो भी कुछ है ये सेल्फ पोजीशन, ये मेरे सब स्टूडेंट्स ने मुझे चार्ट एनालिसिस फाइंड आउट करके बताया था कि कैसे करना है। पोजिशनल कॉल दिया था 242 पे, आज उसने 249 का गैस दिया, 1 month का बोला है, बट एक आज ही उसने काफी अच्छा पोजीशन दिया और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने काफी अच्छा वहाँ पे बुक भी किया। तो दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द प्राइस एक्शन, वो लोग मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सके। अगर ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।